the communication from lander was lost. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इंडिया ने हाल ही में 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया एंड इस प्रकार इंडिया ऐसा पहला देश बन गया जिसने ये मुकाम हासिल किया। इससे पहले रशिया ने अपना मून मिशन लूना 25 जिसको 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था एंड ये भी चांद के साउथ पोल पर ही सॉफ्ट लैंडिंग करने की एम से। बट 20 अगस्त 2023 को ये न्यूज आती है कि लूना 25 का लैंडर मून से क्रैश हो चुका है। सेम ऐसा ही सिचुएशन हमारे चंद्रयान 2 के साथ हुआ था जिसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और इसका भी एम था चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करना। बट जैसे कि हम सबको पता है कि चंद्रयान 2 भी 6 सितंबर 2019 को चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के दौरान क्रैश हो गया था एंड पास्ट में इजराइल एंड जापान ने भी चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की है बट उनका भी स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था। और इस प्रकार अब सिर्फ इंडिया को छोड़कर आज तक ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की हो। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर चांद के जिस साउथ पोल पे स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग करने में पसीने छूट जाते हैं वहां पे इंडिया ने ये मुकाम कैसे हासिल कर लिया और सबसे इम्पोर्टेंट आखिर चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है, आइए डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। बट ये जानने से पहले हमें मून के बारे में जानना जरूरी है। देखो मून को आप जब भी देखते हो तो उसका सिर्फ एक ही हिस्सा दिख रहा होता है और धरती से मून का सिर्फ एक ही हिस्सा इसलिए दिखता है बिकॉज जिस स्पीड से मून धरती को रिवोल्यूट करता है उसी स्पीड से वो अपने ऑर्बिट पे रोटेट भी करता है और यही कारण है कि हमें धरती से हमेशा चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा नजर आता है जिसे कि हम नियर साइड ऑफ द मून कहते हैं और चांद का जो हिस्सा नहीं दिखता उसे फार साइड या डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं। चांद के इस फिनोमेना को टाइडल लॉक या सिंक्रोनस रोटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग डार्क साइड ऑफ द मून सुनकर ये सोचते हैं कि वहाँ सनलाइट पड़ती नहीं बट असल में ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि लोग मानते हैं। असल बात ये है कि मून के सभी हिस्से पे इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़ती है बट चूंकि हमें चांद का एक हिस्सा कभी दिखता ही नहीं इसलिए हम अपने सुविधा के लिए चांद के उस हिस्से को डार्क साइड या फार साइड ऑफ द मून कहते हैं। अब मून के उसी साइड के साउथ पोल के पास कुछ ऐसे क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं जहाँ पे सनलाइट कभी पड़ती नहीं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग चांद के साउथ पोल के कुछ गड्ढों में करीब 2 बिलियन साल से कभी सनलाइट नहीं पड़ी और मून के इन रीजन को परमानेंटली शैडो रीजन कहते हैं। और मून के इन्हीं रीजन में इसरो के चंद्रयान 1 मिशन ने 2008 में पानी के प्रेजेंस को डिस्कवर किया था जो आइस के रूप में ट्रैप है। और ये पानी कोई छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं बल्कि रिसर्च के अकॉर्डिंग मून पे करीब 270 ट्रिलियन किलोग्राम पानी ट्रैप है। और वाटर के इस डिस्कवरी के बाद सभी स्पेस एजेंसीज चांद के साउथ पोल के पीछे पड़ गई बट जिन्होंने भी वहां पे ट्राई किया लैंड करने की उन सबको असफलता मिली एक्सेप्ट इंडिया। बट साउथ पोल पे लैंड करना इतना हार्ड क्यों है ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर चंद्रयान 1 मिशन ने चांद पे पानी की खोज कैसे किया था और अब चंद्रयान 3 वहां पे क्या करेगा। तो अगर चांद पे पानी की बात करें तो इसके बारे में सबसे पहले 1961 में कैल्टेक के 4 रिसर्चर्स कैनेथ वॉटसन, ब्रूस सी मरी एंड हैरिसन ब्राउन के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इसके बारे में थोड़ी ठोस जानकारी तब मिली जब 1976 में सोवियत के लूना 24 मिशन ने जब चांद के क्रेटर से कुछ रॉक्स वगैरह धरती पर वापस लाए एंड जब इनका लेबोरेटरी एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इन सैंपल्स में इनके मास के अकॉर्डिंग 0.1% पानी मौजूद है और इसकी फुल कंफर्मेशन हमारे चंद्रयान 1 मिशन ने कर दिया। बट आखिर चंद्रयान 1 ने ये कैसे किया। तो एक्चुअली चंद्रयान 1 मिशन में एक मून इंपैक्ट प्रोब यानी कि MIP लगाया गया था जिसको मून के साउथ पोल के पास मौजूद एक क्रेटर जिसका नाम है शैकल्टन क्रेटर उसके पास ऐसे उस MIP को क्रैश कराया गया जिससे क्रैश से चांद के सरफेस से जो डेब्रिज रिलीज हुए उसे स्टडी किया गया जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि चांद पे पानी मौजूद है। फिर 2009 में नासा ने एक लूनर रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर लॉन्च करा जिसके एडवांस सेंसिंग टेक्नोलॉजी ने ये कंफर्म कर दिया कि शैकल्टन क्रेटर के करीब 22% हिस्से में पानी आइस के रूप में ट्रैप है। याद रखना चंद्रयान 1 मिशन के दौरान जब MIP को क्रैश किया गया था तो ये बस उतने देर के लिए यूजफुल था, उसके बाद इसका काम खत्म। बट अब इसरो चांद के उस हिस्से पे अपना लैंडर केयरफुली उतारकर डिटेल स्टडी करना चाहता था इसलिए 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया बट अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो गया। लैंडर अपने लैंडिंग के आखिरी पल पे अपने पास से डेविएट हो गया जिससे उस लैंडर का कनेक्शन टूट गया और चांद पे क्रैश कर गया। बट इसरो ने हार नहीं मानी और चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई थी सभी को बारीकी से समझा एंड फिर 3 साल बाद चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करा जिसने ऑफकोर्स सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग किया। एंड अब चंद्रयान 3 का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि विक्रम लैंडर को सक्सेसफुली साउथ पोल पे लैंड कराना और प्रज्ञान रोवर को मून के सरफेस पे रोविंग कराना जो कि ऑफकोर्स दोनों कंप्लीट हो गया। एंड इसके अलावा इसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जिनका अगर मैं शॉर्ट फॉर्म नाम लूँ तो रामभा, चेस्ट, इल्सा, एलाडे, लिप्स, APXS एंड शेप जिनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है जैसे चांद के मिट्टी पे रिसर्च करना, मून क्वेक्स का पता लगाना, साउथ पोल के टेम्परेचर को मापना,
धरती से चांद तक का एग्जैक्ट दूरी मापना, चांद के सोयल में मौजूद एलिमेंट कॉम्पोजिशन का पता लगाना, एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाना एटसेट्रा। बट अब टॉपिक पे वापस आया तो आखिर चांद के साउथ पोल पे लैंड करना इतना मुश्किल क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ चांद के साउथ पोल पे ही नहीं बल्कि पूरे चांद पे लैंड करना बहुत मुश्किल है। बट ऑफकोर्स साउथ पोल पे लैंड करना कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। ऐसा क्यों है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे स्पेसक्राफ्ट्स का चांद पे लैंड करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो देखो अभी तक ऐसे चार ही देश है जिन्होंने चांद के सर्फेस पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है, जो कि है अमेरिका, सोवियत यूनियन, चाइना और अब इंडिया। जिसमें से सोवियत यूनियन ने सबसे पहले लूना 9 मिशन के दौरान 1996 में चांद के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग किया था और सोवियत का ये मिशन 12वें अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद अमेरिका ने भी 1996 में ही मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया और अमेरिका ने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अचीव कर लिया। उसके बाद 2013 में चाइना ने भी सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया और ये भी अपने पहले अटेम्प्ट में ही कर लिए। एंड फाइनली 2023 में इंडिया भी चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है और ये अपने दूसरे अटेम्प्ट में कर पाता है। अब देखो चांद के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है, इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है बल्कि बहुत सारे रीजन है। देखो नासा की एरोस्पेस इंजीनियर एलिसिया ड्वायर सिंसियालियो कहती है कि चांद पे लैंड करने के लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ होना जरूरी है। अगर इसमें से एक भी चीज थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो लैंडर क्रैश हो जाएगा, जैसे हमारे चंद्रयान 2 मिशन के साथ हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि धरती पे तो इंजीनियर्स जीपीएस को यूज करके व्हीकल्स को गाइड कर देते हैं, पर मून या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे कोई ऐसा फीचर नहीं है। एंड आगे उन्होंने एड ऑन करते हुए कहा कि जब किसी फास्ट ट्रेवलिंग व्हीकल को आप वैक्यूम में धीरे करना चाहोगे और वो भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन के साथ, तो ये बहुत मुश्किल है नो मैटर आप कौन हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और सेम इसी रीजन की वजह से इजराइल का बेयरशिट मून मिशन क्रैश हुआ था। एक्चुअली मलफंक्शन की वजह से जब लैंडर मून सरफेस से 150 मीटर ऊपर था तभी अचानक से इसका मेन इंजन बंद हो गया और उस वक्त ये लैंडर 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। हालांकि बाद में इसके इंजन को स्टार्ट कर भी दिया गया बट इतने कम टाइम में और वो भी वैक्यूम में इसको धीरे करना मुश्किल हो गया और ये क्रैश हो गया। बट खैर ये तो हो गई लैंडिंग में आने वाली टेक्निकल डिफिकल्टीज, बट इससे ज्यादा डिफिकल्टीज तो खुद चांद की वजह से आता है। जिसमें से पहले डिफिकल्टी की बात करें तो वो आता है मून के अनइवन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। एक्चुअली 1968 में अपोलो लैंडिंग के प्रिपरेशन के दौरान नासा के जेपीएल साइंटिस्ट ने ये पाया कि चांद का मास कंसंट्रेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग है, जिसे ग्रेविटेशनल पुल भी कहीं वीक है तो कहीं काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसे इंसान तो फील नहीं कर सकते बट उस पे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट्स फील कर सकते हैं। एंड ये ग्रेविटेशनल पुल चांद के कुछ जगहों पर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट्स अपने ऑर्बिट से भटक सकता है, जिसके वजह से क्रैश लैंडिंग हो जाएगी एंड एट द एंड मिशन फेल हो जाएगा। अब मून पे लैंड करने में जो दूसरी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है वो है मून पे मौजूद अनइवन सरफेस, बहुत सारे गड्ढे, रॉक्स और सबसे इम्पोर्टेंट मून डस्ट। एक्चुअली जब लैंडर लैंड करने जाता है तब मून के डस्ट उसको इंटरफेयर करते हैं, जिससे लैंडर के इक्विपमेंट्स भी खराब कर सकते हैं एंड एट दी एंड क्रैश लैंड कर जाएगा। एंड मून के इसी डस्ट से बचाने के लिए चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन लगाए गए थे, जिसमें से जो पांचवा इंजन था उसका काम था लैंडर के इक्विपमेंट्स को मून के डस्ट डोम से बचाना। बट बचाने के बजाय ये पांचवा इंजन चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडिंग का वन ऑफ द रीजन बन गया, बिकॉज कलेक्टिवली 5 इंजन की वजह से लैंडर हायर थ्रस्ट जनरेट करने लगा, जिससे लैंडर का सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं कर सका और क्रैश हो गया। वैसे जब बाद में एनालिसिस किया गया तो पता चला कि मून के डस्ट से कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए उस पांचवें इंजन की उतनी जरूरत नहीं थी और इसलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ 4 ही इंजन लगाए गए, जो ऑफ कोर्स सफल भी हुआ। खैर ये तो बात हो गई ओवरऑल पूरे मून पे लैंड करना इतना मुश्किल क्यों है, बट अगर सिर्फ साउथ पोल की बात करें तो वहां पे लैंड करना और ज्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि मून के इस रीजन में काफी बड़े बड़े रॉक्स, गड्ढे वगैरह है जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में काफी दिक्कत देते हैं और ऊपर से साउथ पोल के कुछ रीजन में कभी सनलाइट पड़ती ही नहीं, मीन्स हमेशा वहाँ पे डार्क रहता है, जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में और डिफिकल्टीज डालता है। तो आई होप आप ये पूरा मांजरा समझ गए होंगे। वैसे अगर आपने चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखी है तो कमेंट करके बताओ कि पीक वॉचिंग कितना गया था। साथ ही साथ आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके ये जान सकते हो कि आखिर सभी कंट्रीज चांद के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।